मशहूरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे अब हमारे बीच नहीं है। मात्र 25 साल की एज में उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया है और ऐसा दावा हो रहा है कि उन्होंने सुसाइड की है वाराणसी के एक होटल में, जहां पर वो शूटिंग के दौरान एक होटल में रुकी हुई थी। और शूटिंग के बाद जब वो होटल में रुकने जाती हैं और अगले दिन खबर निकल के आती है कि आकांक्षा दुबे जो है वो हमारे बीच नहीं है। अभी तक कहा जा रहा है कि इस मामले को सिंपल मामला बताकर सुसाइड एंगल से जाँच हो रही है, पर हो सकता है इस पूरे मामले में कुछ और बातें निकल के आए, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। आकांक्षा दुबे, जिनकी उम्र 25 साल थी, जो कि यूपी के भदोही की रहने वाली हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने जब ये कदम उठाया तो उससे कुछ देर पहले वो लाइव आई थी। आप तुरंत जाके पुलिस कंप्लेन करिए, प्यार में ये सब चीज नहीं होता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो। किसी की भी ऊपर अगर ऐसे तरह के जुर्म होते होंगे तो उस रिलेशनशिप में आप मत रहो, और ना कभी ऐसे बंदे चुनो जो आपके ऊपर एक हाथ उठाए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें पैदा करते कभी हमारे ऊपर एक आँच नहीं आने देते, और हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें मारते पीटते हैं, तो ऐसा तो प्यार नहीं चाहिए। इससे बढ़िया है कि आप प्यार ही मत करो। तो मेरा यही मैसेज है कि प्लीज डोंट ट्रस्ट। और इंस्टा लाइव की उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पर वो रो रही हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये मामला सही में सिंपल है? क्योंकि चारों तरफ इस पूरे मामले में एक ही एंगल बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड की है। अभी तक उनकी कोई भी ऐसी तस्वीर बाहर निकल के नहीं आई है, कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, पर हाँ इस पूरे मामले में अभी जाँच हो रही है। और ऐसा भी दावा हो रहा है कि आकांक्षा दुबे के एक बॉयफ्रेंड थे जिनके साथ उनका रिलेशन था, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर निकल के आ रही हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि उनका नाम समर सिंह बताया जा रहा है, और ऐसी भी बात निकल के आ रही है कि पुलिस समर सिंह को कांटेक्ट करना चाहती है, पर कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, फोन स्विच ऑफ हो चुका है, समर सिंह मिल नहीं रहे हैं, ऐसा भी दावा सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। पर अब देखने वाला विषय ये है कि आकांक्षा दुबे, 25 साल की अभिनेत्री, जिन्होंने भोजपुरी पिक्चरों में काम करा, भोजपुरी में काम करते करते उनको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही इंस्टा पे एक वीडियो डाली जहाँ पर बहुत खुश लग रही थी वो, और ये जो खबर निकल के आई इससे कुछ टाइम पहले ही वो इंस्टा पे लाइव आई थी, जहाँ पर उनके रोते हुए वीडियो निकल के आ रही है, जहाँ पर वो कुछ बातें शेयर कर रही थी लोगों के साथ, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत केस जैसा हुआ था, वो केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। उस मामले में बात करें तो कई सारे लोगों के बयान निकल के आए, पर आकांक्षा दुबे, जो इतनी बड़ी अभिनेत्री नहीं थी पर एक अभिनेत्री थी, और अभी उन्होंने काम करना शुरू किया था, और जिस दिन खबर निकल के आती है उसी दिन सुबह सुबह पवन सिंह के साथ इनका एक गाना भी आ रहा था, जो गाना रिलीज ही हुआ था, और कुछ टाइम के बाद खबर निकल के आती है कि ये हमारे बीच नहीं है। ऐसा भी दावा हो रहा है कि इनके मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने बताया कि एक दिन पहले मैं उनके साथ थी, और फिर वो जल्दी काम से चली जाती हैं क्योंकि उनको एक बर्थडे पार्टी में जाना था, और अगले दिन जब मैंने उनको कॉल करा मेरा कॉल पिकअप नहीं किया गया, जब मैंने टीम से बात करी तो मुझे बोला गया कि आप जाके उनको बुला के आइए, और जब कुछ मेंबर्स बुलाने गए तो पता ये लगा कि उन्होंने ये कदम उठा लिया है, ऐसा कहना है उनका। अब देखने वाला विषय यह है कि जब पुलिस जांच करेगी तो इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरे साइड में लगातार सवाल लोग उठा रहे हैं ट्विटर पे भी, और लगातार सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये मामला क्या सिंपल है या फिर इस पूरे मामले में बहुत कुछ छुपा हुआ है। पर ऐसा भी दावा हो रहा है कि इस पूरे मामले में
पुलिस स्टार्टिंग से जांच में लग चुकी है। पुलिस अभी कोई पर्टिकुलर एंगल को लेकर जांच नहीं कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में कुछ भी एंगल निकल के आ सकता है, क्योंकि अभी कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, तो अभी इस पूरे मामले में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। पर आपको क्या लगता है, भोजपुरी अभिनेत्री हमारे बीच नहीं है? और अगर भोजपुरी अभिनेत्री के साथ साथ अगर हम बात करें, तो पिछले 2-3 साल में हमने कई सारे लोगों को खो दिया। सुशांत मामला जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, पर उस पूरे मामले में आज भी कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि सुशांत ने वो कदम खुद उठाया था, जबकि खुद बड़े नेता ये दावा कर चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है। उनके पास सबूत है इस पूरे मामले को लेकर, ये खुद बड़े बड़े नेताओं के बयान हैं। और अभी ये खबर निकल के आती कि मात्र 25 साल की थी आकांक्षा दुबे, 24-25 साल की उम्र के बीच में इन्होंने ये कदम क्यों उठाया, और शूटिंग करने गई थी, खुश थी, तो फिर ये कदम कैसे उठा लिया? क्या ये मामले के पीछे बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं? क्या ये मामला सिंपल है, या फिर ये कोई मामला अलग ही रूप ले लेगा? जब इस पूरे मामले में जांच होगी, तो क्या ये मामला कोई दूसरा रूप लेने वाला है? आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में बातें निकल के आ रही हैं, तो सवाल बहुत सारे उठने वाले हैं कि आखिरकार आकांक्षा दुबे ने कदम क्यों उठाया, और आखिरकार शूटिंग करने गई थी तो ऐसी क्या बात हुई? क्या उनके बॉयफ्रेंड की जो खबर निकल के आ रही है समर सिंह की, उनसे कोई बात हुई है, या फिर किसी और के साथ बात हुई है, या ये मामला कुछ और ही है? ये मामला दिख कुछ और रहा है, पर एक्चुअली में मामले में कुछ वो छुपा और कुछ है। बहुत सारी बातें निकल के आने वाली हैं बाहर, पर आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।